वर्सेस भाई अभिषेक कुमार। हेलो दोस्तों, आप लोग का स्वागत है आपकी यूट्यूब चैनल कैरियर मंथन क्लासेज बाय अभिषेक कुमार। जैसा कि पहले से हम लोग त्रिकोणमिति का चैप्टर को कवर कर रहे हैं 8.4, इसमें से हम लोग चार क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं। अब जो भी बचे हुए क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व करेंगे, ठीक है। पचवा में दस क्वेश्चन दिया गया जिसको प्रूव्ड करना है, और ये हमारे बिहार बोर्ड के एग्जाम में 5 नंबर के इसमें से कोई भी ये क्वेश्चन को पूछ लिया जाता है। ओके, तो चलिए ना देर करते हुए स्टार्ट करते हैं उसको। चलिए देखिए, आइए, जैसा कि आपको क्वेश्चन मिल चुका है, पचवा का पहला जो क्वेश्चन, इसमें आपको कोसेक थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है, सॉरी, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर दिया गया, ठीक है, और इसको हम लोग को बनाना है। तो करेंगे क्या, देखिए यहां पर सबसे पहले आपको यहां देखना ये है कि एलएचएस ले कि आरएचएस ले, तो जिसका मान बड़ा होना उसी को लेते हैं। तो यहां पर देखिए, तो ये खुद साइन कोस में, सॉरी कोस में है, साइन में नहीं, कोस में है, तो इसको नहीं लेंगे, हमें लेना है एलएचएस को। तो लेंगे आपसे सबसे पहले हल लिखेंगे, अब ले लेंगे हम यहां पर एलएचएस राइट हैंड साइड। ओके, राइट हैंड साइड में क्या है, तो आपका कोसेक थीटा माइनस में कॉट थीटा स्क्वायर, और इसको हम लोग बढ़िया से समझते हुए चलेंगे, क्योंकि ये 5 नंबर आपका पक्का करेगा, ठीक है, 5 नंबर आपको ये क्वेश्चन देकर जाने वाला है एग्जाम में। सारा डिटेल में समझे, देखिए कोसेक थीटा को क्या लिख सकते हैं, तो फॉर्मूला जानते हैं, कोसेक को 1/(sin) साइन थीटा लिख सकते हैं, उसके बाद कॉट को आप कॉस थीटा बटा में साइन थीटा लिख सकते हैं। अब यहां पर जिन बच्चे लोग को समझ में नहीं आया है वो सबसे पहले फॉर्मूला याद करें, सबसे पहले फॉर्मूला को याद करें, यदि जो डायरेक्ट यहां पर आए हैं, ठीक है। अब यहां पर देखिए, तो आपका डिनोमिनेटर यानी कि हर दोनों का सेम है, तो यहां बट्टा पक जोड़ कर देंगे, बट्टा पक जोड़ करने आता है ना, सेम टू सेम वही प्रोसेस होता है यहां पर भी। देखिए दोनों कैंसिल निकाल दिए, साइन साइन से भाग लगाएंगे, साइन से साइन में भाग लगे एक बार में कटेगा, तो एक जो आया ऊपर वाला से गुणा, यानी कि सेम टू सेम आपको बट्टा पक के जोड़ करना है। साइन को करेंगे तो फिर साइन को भाग करेंगे एक बार में कटेगा, तो फिर यहाँ क्या हो जाएगा आपका कॉस थीटा, अब ये हो गया स्क्वायर, ठीक है। हाँ, और याद रखिए, बनाते समय ये नहीं बनाते चलते जाना है, नहीं, देखना है कि हमें लाना भी क्या है, हमें पहुंचना भी कहाँ है, हमें रास्ता भी देखना है, ठीक है। मंजिल तो आपकी जो रास्ता है, रोड है, बहुत दूर तक जाती है, लेकिन आपको जहां जाना है वहां तो तरना पड़ेगा ना रोड से, वही हमें काम यहाँ पर भी करना है। तो 1 - cosec² इसका मतलब ये स्क्वायर 2 बार हो सकता है, ठीक है, और इसको इसमें स्क्वायर करेंगे। बात देखिए, वन माइनस कॉस थीटा एक बार, अब फिर एक बार करेंगे 1 - cosec, क्योंकि यहां पर देखिए आप जानते हैं कि a बट्टा b दिया है और सबका स्क्वायर दिया है, इसका मतलब होता है कि a स्क्वायर भी होगा और नीचे b स्क्वायर भी होगा। a स्क्वायर का मतलब होता है कि a गुणा a, यानी जो लिखा है इसको 2 बार, ठीक है, नीचे भी वही करेंगे लेकिन यहाँ रूल कुछ और है। तो ये जो ऊपर वाला सारा रूल यहाँ पर फॉलो किया जा रहा है कि स्क्वायर इसका भी होगा, तो एक बार इसको एक बार इसको, यानी कि इसको यहाँ से हमने लिख दिया है, बट्टा में जाएंगे तो ये आपका हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा होगा। आगे देखते हैं, स्पेस है नीचे, और जब साइन स्क्वायर थीटा होगा तो यहां पर फिर से हम लोग क्या करेंगे कि जो साइन स्क्वायर है क्या हम उसको लिख सकते हैं क्या, 1 - cosec तो ऊपर हो गया, नीचे वाला साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला आप जानते हैं कि होता है 1 - cos² थीटा, 1 - cos² थीटा होता है, ठीक है। सारा डिटेल में चल रहा है, एक भी स्टेप इसमें नहीं हम छोड़ रहे हैं, सारा का सारा स्टेप आपको लिख रहे हैं, ठीक है, तो आप लोग सारा का सारा स्टेप यहां से देख सकते हैं, ठीक है। चलिए अब इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं, इधर जगह ना होने के कारण यहां से चलते हैं, ऊपर जो लिखा गया है वही तरह लिख दीजिए इसको, 1 - cos थीटा
और यहां भी 1 माइनस कॉस थीटा। नीचे देखेंगे कि फॉर्मूला बन रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक के ऊपर स्क्वायर कर सकते हैं, कीजिए तभी ठीक है, नहीं कीजिए तभी ठीक है, क्योंकि एक के स्क्वायर करेंगे तो एक के होगा। तो मान लेते हैं ए स्क्वायर है और इस पर भी स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला होता है ए प्लस बी ए माइनस बी, यानी एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। तो 1 माइनस कॉस थीटा एक बार हो गया आपका माइनस में और एक बार कर देंगे इसको प्लस में, ठीक है। अब देखिए यहां से दोनों सेम सेम है, इसको हम लोग हटा देंगे यहां से, इस चीज को जैसे ही हटा दिए बचा क्या, तो ऊपर बचा 1 माइनस कॉस थीटा और नीचे बचा आपका 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है, जो कि आपका एल एच एस बराबर आर एच एस प्रूव्ड, ठीक है, निश्चित हो गया। देख लीजिए यहां पर आपका आर एच एस है, आपका सीध हो चुका है, ठीक है। आप लोग इसमें स्टेप बाय स्टेप सबको फॉलो किया गया है, इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है, ठीक है, आप लोग बनाइए टाइम लगेगा। चलिए तो आपका आ चुका है क्वेश्चन नंबर दूसरा और इसको भी हम लोग सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है, तो आप लोग भी ट्राई कीजिए, ठीक है। जितना लोग आपको लोग बना है ना, बनाने के बाद इसको भूल नहीं जाना है, आपको इसको रिवीजन में रखना है, ठीक है, लगभग 10 या 15 दिन पर इसको हमेशा आपको रिवीजन करना है। जिन बच्चे लोगों को लगता है ना कि नहीं मेरा मैथ में नंबर कम आ जाएगा, मैं मैथ में क्रॉस हो जाएगा, तो बच्चे ये काम करें, त्रिकोणमिति को सबसे पहले ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव सबको एकदम बढ़िया से, ठीक है, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव बढ़िया से क्लियर कीजिए आप, ओके। और हमेशा इसको 15 दिन पर, ठीक है, 15 से 20 दिन पर इसको आपको हमेशा रिवीजन करना है। चलिए लेते हैं एलएचएस, क्यों एलएचएस लेंगे, क्योंकि इधर आपको एक बड़ा क्षेत्र दिखाई दे रहा है इधर, ठीक है, तो एलएचएस लेके चलेंगे। कॉस ए बटा मी 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बटा मी कॉस ए, ठीक है। अब देखिए तो यहां पर क्या करेंगे, बटा पर जोड़ करेंगे, चलिए एल से बटा पर जोड़ करते हैं, एलसीएम कितना होगा, एलसीएम हो जाएगा 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, यही हमारा एलसीएम हो जाएगा। अब जानते हैं ना जैसे 4 बट्टा 6 है, प्लस में आपका रहता है 3 बट्टा, अब यहां मान लीजिए 5, तो दोनों में कॉमन ना होता तो दोनों गुणा कर देते हैं, वही काम यहां भी किए हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, जब 1 प्लस साइन से भाग करेंगे तो कट जाएगा, बचेगा ये, तो ये मिलकर कितना हो जाएगा ऊपर कॉस स्क्वायर ए, क्योंकि जब इससे भाग देंगे तो ये कट जाएगा, बचेगा सिर्फ कॉस ए, तो कॉस ए और कॉस ए को गुणा करेंगे तो कॉस स्क्वायर ए होगा, उसके बाद प्लस आगे फिर कॉस ले इसको भाग करेंगे तो बचेगा 1 प्लस साइन, तो यहां भी 1 प्लस साइन है, इसका मतलब हो गया 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, ठीक है। फिर नेक्स्ट चलते हैं, कॉस स्क्वायर है, कॉस स्क्वायर ही लिख देते हैं प्लस, अब इसका ए प्लस बी का होल स्क्वायर करेंगे, ए का स्क्वायर यानी ए के हो जाएगा, फिर प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस में 2ab यानी कि 2 साइन ए, एक में दो से गुणा किए हैं तो ए के आया, ठीक है। नीचे चलते हैं, 1 प्लस साइन ए है, क्या है 1 प्लस साइन ए है, इंटू में आपका हो गया कॉस ए, हमें लाना है 2 sec, ओके। तब देखिए तो ये कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर, आपको बताए थे कि एंगल के जगह पर दोनों यदि सेम हो, दोनों सेम हो, देख रहे हैं आप एंगल पर दोनों सेम है, इसका मतलब कि एक हो जाएगा, तो चलिए इन दोनों को जोड़ देते हैं, तो कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर दोनों को जोड़ के हमने किया है एक, तो यहां हो जाएगा एक, फिर प्लस में एक, फिर प्लस में दो हो जाएगा 2 साइन ए बटा में 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। आप यहां से इस स्टेप को भाग यहां से भगा भी सकते थे, यानी कि 1 1 2 करके डायरेक्ट लिख सकते थे, बट आपको स्टेप बाय स्टेप सब लिखना है, एक एक 2 हो जाएगा, आई थिंक दिखाई दे रहा है, तो हो जाएगा 2 प्लस 2 साइन ए बाई 1 प्लस साइन ए इंटू में कॉस ए, ये हो गया तक। अब आगे इसको बढ़ेंगे 2 2, तो इसमें से 2 को कमन कर लेंगे, 2 को जैसे ही कमन करेंगे तो बचेगा क्या होगा यहां से, तो यहां बचेगा 1 प्लस में यहां बचेगा साइन ए, ठीक है। 1
प्लस में साइन ए और बट्टा में आपका बचेगा जो है वही साइन ए इंटू में कॉस ए। यहां से दोनों सेम है, ये दोनों कट जाएगा तो ऊपर बचेगा दो और नीचे बचेगा कॉस ए। तो यहां पर हम लोग देखेंगे जो टू है टू को टू रख देंगे, एक बट्टा कॉस को सेक लिख सकते हैं क्या, तो सेक ए। तो लिखेंगे हम लोग यहां भी एल एच एस बराबर आर एच एस प्रूव्ड यानी सील हुआ। ठीक है, यहाँ पर आपका टू सेक, यहाँ पर सी छूट गया है। ठीक है, आप लोग क्वेश्चन बुक है ये मिला लेंगे आप लोग। ठीक है, तो ये हम लोग का यहाँ तक हो गया। चलिए बिना बकवास किए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, क्योंकि ज्यादा है क्वेश्चन। चलिए, तो आप लोग का जो क्वेश्चन है नेक्स्ट, आपका क्वेश्चन आ चुका है तीसरा नंबर क्वेश्चन। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन देखिए थोड़ा सा इसमें जो तीसरा नंबर है ये थोड़ा सा लॉन्ग जाता है। ठीक है नहीं उतना लॉन्ग, बस एक फॉर्मूला का आपका लगेगा, अलजेब्रा का फॉर्मूला लगता है। ठीक है, इसमें उसके बाद कोई भी ये लॉन्ग नहीं है। ठीक है, एकदम मेथड से सब कुछ सीधा साधा है। देखिए सबसे पहले इसको साइन में आपको पहले ही बताया था, इसका रूल एक ही फॉलो करना है आप लोग को, डायरेक्ट इसको किसमें साइन कोस में चेंज कर दीजिए। चलिए करते हैं, टाइम को क्या लिख सकते हैं, एल एच एस ले लेते हैं। ठीक है, इसको चेंज करना स्टार्ट करते हैं। टैन को क्या लिख सकते हैं, हुआ साइन थीटा बटा में कॉस थीटा। ओके, और ये प्लस अभी नहीं होगा क्योंकि मेन बट्टा का चिन्ह ये होता है आपका, वन माइनस कॉस थीटा बटा में साइन थीटा, या मेन बट्टा को ध्यान रखिए थोड़ा सा। प्लस का चिन्ह देंगे, कॉस को क्या लिखेंगे, कॉस थीटा बटा में साइन थीटा। ओके, नीचे आएंगे तो फिर वन माइनस टैन को क्या लिखते हैं, साइन थीटा बटा में कॉस थीटा। यहाँ पर हमने टैन का ये मान लिखा है, कॉट का ये मान लिखा है, टैन का ये मान लिखे हैं और कॉट का फिर ये मान लिखे हैं। ये फॉर्मूला होता है, यहाँ कुछ नहीं है तो आप लोग वन दे सकते हैं। ये हम लोग सिक्स क्लास टू क्लास से सीखते आ रहे हैं, फाइव क्लास से। ठीक है, नहीं देना छोड़िए, वैसे भी हो जाए काम। तो ये वाला जो था आपको बीच में कर दीजिए। चलिए अब नीचे देखने से क्या लगता है आपको, जोड़ घटाव करना पड़ेगा, ऊपर वाला को ऐसे ही छोड़ देते हैं, साइन थीटा बटा में कॉस थीटा। ओके, इधर भी आपका हो जाएगा कॉस थीटा बटा में साइन थीटा, मेन बट्टा का चिन्ह आ गया। और नीचे जो है साइन कैल्सियम लेंगे, यहां से देखिए वन में साइन है तो साइन नहीं हो जाएगा, साइन थीटा हो गया। अब इसको एक से कितना करेंगे तो साइन बार बन जाएगा, तो यहां हो जाएगा आपका साइन थीटा माइनस में साइन से भाग करेंगे तो एक बार में कटेगा, तो एक को कॉस ले गुणा कर देंगे तो कॉस थीटा ही होगा, ध्यान रखिएगा। फिर नेक्स्ट इसमें चलते हैं, इसमें भी आपका एलसीएम कॉस थीटा होगा, कॉस थीटा होगा, या एक है एक का पढ़ा कॉस थीटा पर पड़ेंगे तब ना कटेगा, इसलिए कॉस थीटा से एक में गुणा कर देंगे, यानी हो जाएगा आपका कॉस थीटा, कॉस को भाग करेंगे एक बार कट जाएगा तो साइन एकम साइन, तो साइन थीटा हो जाएगा। अब इसको ऊपर करते हैं, ये पलट जाएगा ऊपर जाके, अब ये ऐसे हो जाएगा साइन थीटा बट्टा में कॉस थीटा इंटू, जो साइन नीचे था ये ऊपर चला जाएगा, वो साइन थीटा बट्टा में आपका हो जाएगा नीचे यहाँ पर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, कॉस में लेंगे इसको। फिर यहाँ मेन प्लस का चिन्ह था, प्लस का चिन्ह करेंगे, फिर यहाँ पर आपका कॉस थीटा बट्टा में साइन थीटा इंटू, जो कॉस था ऊपर चला जाएगा कॉस थीटा बटा में, फिर जो आपका नीचे था कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है, ये हम लोग का हो जाएगा। अब यहां से देखने में डिफिकल्ट लग रहा है लेकिन डिफिकल्ट है नहीं, देखिए क्या करें यहाँ पर सब कुछ सेम सा है। ठीक है, बस यहाँ पर एक ही चीज आपको करना है, इन दोनों को खास सेम कर दिया जाए, बस माइनस ऐसे है, यहाँ से माइनस को कॉमन करेंगे, माइनस को कॉमन करेंगे, ये आपका ऐसा हो जाएगा, ऊपर में साइन है तो हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर, क्या होगा ऊपर में करेंगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बट्टा में आपका कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस में कॉस थीटा। यहां से माइनस को कॉमन जैसे ही करेंगे यहां पर तो माइनस होता है, तो
माइनस प्लस माइनस माइनस होता है, क्योंकि यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस का कॉमन करेंगे तो प्लस माइनस माइनस, इसलिए डायरेक्ट यहाँ पर हम लोग माइनस कर देंगे। ऊपर कॉस कॉस है तो कॉस स्क्वायर थीटा होगा, फिर नीचे चलेंगे तो वही आपका साइन थीटा था तो साइन थीटा ही होगा, और यहाँ सब अपोजिट हो जाएगा, यानी जो माइनस में था वो अब प्लस में हो जाएगा, साइन थीटा माइनस में कॉस थीटा, ये आपका दोनों जगह सेम हो गया। ठीक है, अब देख रहे हैं यहाँ दोनों जगह पर सेम हो चुका है। चलिए हम नेक्स्ट आगे चलते हैं। अब इसमें बट्टा पर जोड़ घटाव जो है आप कर सकते हैं यहाँ पर। चलिए तो वही काम करने वाले अब हम लोग, नीचे आपका घटाव है, घटाव करेंगे बट्टा पर घटाव करेंगे तो एलसीएम क्या आने वाला है, एलसीएम आपका आने वाला है कॉस थीटा इंटू साइन थीटा इंटू साइन थीटा माइनस में कॉस थीटा। ठीक है, यही आने वाला है, कॉस है साइन है दोनों एक साथ होगा, और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा दोनों सेम है, यहां पर आ जाएगा। अब यहां से जब भाग लगेगा तो कॉस और साइन थीटा कट जाएगा, सब कट के फट जाएगा, हट जाएगा सारा चीज, तो बचेगा सिर्फ साइन, साइन में साइन स्क्वायर होगा तो साइन क्यूब हो जाएगा, साइन क्यूब थीटा फिर माइनस, यहां से भी भाग करेंगे तो सब कट जाएगा बस, देखिए साइन साइन थीटा इंटू, तो ये यहां तक पूरा कट जाएगा, बचेगा सिर्फ कॉस, तो कॉस में कॉस से गुणा होगा तो कॉस स्क्वायर, सॉरी कॉस क्यूब थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब यहां से काम समाप्त हो गया, आगे चलते हैं। अब यहां पर एक फॉर्मूला लगेगा ऊपर में, साइन क्यूब थीटा, अब इसे यहां पर ही मत देखिएगा, थीटा थीटा सेम है माइनस है तो कुछ फॉर्मूला नहीं, उसका फॉर्मूला नहीं लगेगा, यहां पर आप अलजेब्रा का फॉर्मूला लगाएंगे, हम लोग यहां पर अलजेब्रा का फॉर्मूला लगाने वाले हैं। ठीक है, तो अलजेब्रा का चलिए फॉर्मूला को लगाते हैं। देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो सबसे पहले आप लोग फॉर्मूला लिख लीजिए। ठीक है, इस सबसे पहले आप लोग फॉर्मूला लिख लीजिए, देखिए फॉर्मूला को आई थिंक कहां दे फॉर्मूला, ऊपर में चलिए फॉर्मूला यही कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि ज्यादा लगेगा नहीं, हो जाएगा। चलिए देखिए ए क्यू, अब डायरेक्ट इसका फॉर्मूला लिख देते हैं, ए क्यू माइनस बी क्यू। ठीक है, ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला क्या होता है, तो दो फॉर्मूले होते हैं। ठीक है, तो दोनों फॉर्मूला में से हम लोग चलिए एक फॉर्मूला लिख लेते हैं, ए माइनस बी का क्यूब हो जाएगा, ए माइनस बी का क्यूब प्लस थ्री ए बी ए माइनस बी। ठीक है, ये एक फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला को लिख सकते हैं हम, चलिए इसी फॉर्मूला को बनाते हैं हम लोग। ठीक है, इसी फॉर्मूला को बनाते हैं, ए माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी का होल क्यूब। ठीक है, प्लस में आपका, तो यहां से एक और क्वेश्चन देखिए, इसको थोड़ा इजी किया जाए, एक और फॉर्मूला होता है जो कि आप पहले से फॉर्मूला जानते हैं, उसी फॉर्मूला को लगा लेते हैं, ए स्क्वायर प्लस ए बी वाला, क्योंकि यहाँ पर फॉर्मूला को लगाएंगे तो थोड़ा सा डिफिकल्ट ये होगा कि फिर से इसको क्यूब करो या फिर बाद में कटाना पड़े तो फिर दिक्कत होगा। ठीक है, तो चलिए उसी फॉर्मूला को लगाते हैं ताकि क्यूब फिर हमको नहीं पढ़ना पड़े, तो फिर क्यूब पढ़ेंगे फिर फॉर्मूला, तो हम यहाँ पर लिखेंगे फॉर्मूला होता है ए माइनस बी होता है ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो इसी फॉर्मूला को हम लोग इसको पुट आउट कर देंगे। ठीक है, इसी फॉर्मूला को हम लोग इसको पुट आउट करते हैं। ठीक है, चलिए जल्दी से इसको फॉर्मूला को हम लोग पुट आउट कर देते हैं। ठीक है, फॉर्मूला थोड़ा याद करना पड़ेगा, याद रखिएगा फॉर्मूला कुछ है जो भी याद करना पड़ेगा, फॉर्मूला मिल जाएगा आप लोगों को। तो साइन यहां पर ए और माइनस बी है, तो ए है बी है, चलिए करते हैं साइन थीटा, क्यों ये फॉर्मूला लिए पता है आप लोगों को, पहले वो फॉर्मूला लिए फिर देखे हम ए माइनस बी हो रहा है तो यहाँ भी ए माइनस बी हो जाएगा, जैसे कि कट जाएगा नहीं तो उसमें वो भी उस फॉर्मूला से बनेगा लेकिन थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। ठीक है, बट यहाँ पर इसे कट जाएगा। चलिए तो साइन थीटा माइनस में कॉस थीटा, ठीक है ये फॉर्मूला, फिर बोला गया है साइन स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर है तो ए ही ना, तो ए स्क्वायर हो गया, फिर प्लस ए बी,
एबी मतलब साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, फिन आगे बोला गया है प्लस में बी, तो बी है ये, तो आप कर देंगे यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा। और थोड़ा ध्यान दीजिएगा, तो यहां से आपको साइन स्क्वायर थीटा और यहाँ है कॉस स्क्वायर थीटा, दोनों को मिला देंगे तो एक हो जाएगा, क्योंकि थीटा थीटा बराबर है, प्लस में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन। ओके, नीचे में जो दिया गया उसको लिख देते हैं, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, फिर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। यहां से सेम सेम दिखाई दे रहा है ना आपको, काट के पहले हल्का कर लेते हैं, इसको भी काट दीजिए, इसको भी काट दीजिए, हल्का हो गया, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर और कितना होगा, वन प्लस में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, फिर बट्टा में कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब हम लोग पहुंचने वाले हैं अपने क्वेश्चन आंसर के पास, ठीक है। ये फॉर्मूला थोड़ा सा आपके लिए अच्छा था, ठीक है, वो वाला फॉर्मूला थोड़ा सा परेशान करता। अब इसको दो सबको नीचे दे देते हैं, सबको नीचे दे देते हैं, पहले इसे अपने नीचे ले लेगा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा कैसे हो रहा है बताते हैं अभी, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, फिर बट्टा में भी हो जाएगा आपका कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। देखिए ये कैसे हुआ, आप जानते हैं कि 5 प्लस 6 बट्टा में 8 लिखा है, इसका मतलब कि 8 इसका भी है, यानी कि एक बार 5/8 लिखेंगे और 1/6/8 लिखेंगे, ठीक है, बस जस्ट इसी तरह हमने इसको भी कर दिया, ठीक है, और कुछ इसमें किए नहीं है, ठीक है। अब यहां से देखिए तो ये दोनों सेम हो गए, साइन साइन कॉस कॉस कैंसिल, 1/4, 1/cos है और साइन भी, तो 1/cos को क्या लिख सकते हैं, शेक थीटा, 1/sin को, 1/sin को cos शेक थीटा, प्लस में 1। आंसर आ गया क्या, यस आ गया, उसे सीधा कर देते हैं, 1 बिगाड़ आते हैं, 1 प्लस शेक थीटा इंटू इंटू है, ठीक है, गुणा नहीं है, सॉरी माइनस नहीं है, cos शेक थीटा, ये आपका हो गया LHS बराबर RHS प्रूव्ड, ठीक है, यहां तक तो आपका प्रूव हो गया, ठीक है। और ये आपका हो गया 5 नंबर का, ठीक है, इसको एक दो बार बनाइए सब समझ में आएगा, ठीक है, फॉर्मूला बेस है। ओके चलिए चलते हैं चौथा नंबर, चलिए तो आ चुके हैं फिर हम लोग पांचवा के चौथे क्वेश्चन में, ठीक है, पांचवा के चौथे क्वेश्चन पा चुके हैं, और चलिए इसको भी हम लोग बनाते हैं। ओके चलिए देखिए, जो आपका ये पांचवा का जो चौथा क्वेश्चन है, इसमें बुक में लिखा है कि दोनों तरफ से आपको इसको सॉल्व करना है, ठीक है, एक बार LHS लेके एक बार RHS लेके, तो हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, LHS भी लेके बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए लेते हैं पहले LHS लेके चलते हैं, LHS लेके चलेंगे तो इसको पहले तोड़ देते हैं, सबको रूल आपको पता है साइन कॉस, बस यही इसका तोड़ है और कुछ नहीं है। नीचे चलेंगे 1/2 में कॉस ए, यहां से आप फॉर्मूला बेस पर चले जाएंगे, कॉस ए बराबर हो जाएगा, अब तो बट्टा पक्की जोड़ आप सीख चुके हैं, तो थोड़ा फास्ट कर रहे हैं, ठीक है, कॉस ए प्लस 1 कैसे हुआ है, बट्टा पक्की जोड़ किए हैं, ठीक है, यहाँ कुछ नहीं है तो मान लिए 1, फिर बट्टा में आप हो जाएगा 1/2 में कॉस ए, फिर आगे चलेंगे तो ऊपर आपका कॉस ए प्लस 1 बट्टा में कॉस ए, और ये उल्टा हो जाएगा, तो कॉस ए ऊपर और नीचे, यहां से कॉस कॉस कैंसिल, तो बन जाएगा कितना कॉस ए प्लस 1, तो ये तो यहां तक आ गया। आप चाहते हैं कि इसको आगे बढ़ाया जाए, इसको आगे बढ़ाया जाए, और हमें यही चाहिए, आपको ये नहीं है कि आपको RHS लेके चलिए, RHS लेके चलिए तो हो जाएगा काम, यदि हम LHS लेके चले हैं, एक बार RHS लेके चलते हैं, देखिए इधर राइट हैंड साइड, तो RHS में क्या है, साइन स्क्वायर है, साइन स्क्वायर में क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं, बट्टा में 1 माइनस कॉस ए लिख सकते हैं, लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं। अब इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूला पर तोड़ेंगे, तो एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, अब बट्टा में आप जानते हैं 1 माइनस कॉस ए होता है, होता है कि नहीं होता है, यहां से 1 माइनस कॉस से 1 माइनस कॉस कैंसिल आउट, और आ जाएगा 1 प्लस कॉस ए, यह देखिए ना,
एलएचएस और आरएचएस दोनों बराबर हो गए क्या? दोनों बराबर हो गया तो आप इस विधि से भी बना सकते हैं। यदि आप चाहते कि नहीं हम इकरे के बनाएंगे आगे चल के, तो करना कुछ नहीं, बस क्या करिएगा यहाँ पर आपको परिमेयकरण कर देना है। ठीक है, परिमेयकरण कीजिए या लिख देंगे कि अंश तथा हर में, अंश तथा हर में किससे, अंश तथा हर में वन माइनस कॉस ए से भाग देने पर, नहीं गुणा करते हैं ना, अंश तथा हर में वन माइनस कॉस से गुणा करने पर, गुणा करने पर, चलिए गुणा कर देते हैं। आई थिंक नीचे स्पेस न होने के कारण चलते हैं यहाँ पर। ठीक है, ये आप तो ऊपर जान गए ना कैसे करना है। आप चाहते हैं तो यहाँ से इस वही लेके चलेंगे तब आरएचएस ला सकते हैं, लेकिन इसमें बोला था एग्जाम आपको सॉरी बुक में कि दोनों तरफ से, दोनों तरफ से लेके चलिए, एलएचएस चले तो इतना आ गया हमारा आंसर, और आरएचएस भी चले तो यहाँ भी आ गया, तो यहाँ भी आप लिख सकते हैं एलएचएस बराबर आरएचएस प्रूव्ड। ठीक है, यदि आप चाहते कि नहीं हम इसी को लेकर चले तो इस नियम को लागू कीजिए आगे। अब गुणा कीजिए ऊपर नीचे, तो इसके नीचे कुछ नहीं है, नहीं वन है ना, तो कॉस ए आई थिंक दिखाई दे रही है, चलिए तो कॉस ए प्लस वन बट्टा में है वन। अब इसको हमने बोला है ऊपर नीचे गुणा करना है, तो वन माइनस कॉस ए और नीचे भी हो जाएगा वन माइनस कॉस ए। ठीक है, यही पर काम बन गया, यही पर काम कर देते हैं आगे, कहाँ जाना है दूर। ए प्लस बी ए माइनस बी फॉर्मूला हो जाएगा आपका, इसको उल्टा सीधा कर सकते हैं, वो एक को इधर लाइए कॉस को इधर कीजिए तो फॉर्मूला हो जाएगा वही, तो एक स्क्वायर माइनस में कॉस स्क्वायर ए बट्टा में वन माइनस कॉस ए। जैसे ही आगे चलिएगा तो इसको हटाइए यहाँ से, क्योंकि एक का स्क्वायर एक होगा, ठीक है एक का स्क्वायर एक होगा, नीचे आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, तो यहाँ पर कॉस ए लिखे हैं, थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं, रुक जाइए। वन माइनस कॉस स्क्वायर ए इस फॉर्मूला से हो गया ए प्लस बी और ए माइनस बी, इसको ए माने हैं बी है प्लस, थोड़ा सा इसको वन वन इधर कर सकते हैं, थोड़ा स्टेप आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, और कोई बात नहीं है, अब बट्टा में चलेंगे तो आपका वही हो जाएगा वन माइनस कॉस ए, यहाँ पर ए स्क्वायर इसलिए नहीं लिखे क्योंकि एक का स्क्वायर एक के होता है। अब यहां से देखें तो फॉर्मूला कौन हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए बट्टा में वन माइनस कॉस ए आ गया क्या? यस, एलएचएस बराबर लिख सकते हैं यहाँ पर, नीचे में स्पेस ना होने के कारण थोड़ा दिक्कत हो रही है, तब लिख सकते हैं यहाँ पर, देख लीजिए पूछते हैं यहाँ पर हो गया ना, तो एलएचएस बराबर आरएचएस आप लिख के प्रूव कर लीजिए। ठीक है, यहाँ पर एलएचएस बराबर आरएचएस लिख के प्रूव कर लीजिए, तो यहाँ से भी हम लोग बना सकते हैं। ठीक है, दोनों तरफ से बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी हम लोग आ चुका है, पांचवा नंबर, चलिए इसको भी सीट करते हैं। देखिए इसमें भी एलएचएस लेके चलते हैं, एलएचएस में फॉर्मूला को लगाना है कॉस से कोला, ठीक है कॉस से कॉट वाला होता है ना, उसी फॉर्मूला को लगाना है, तो उस फॉर्मूला को लगाने के लिए तो हमें तो भैया चाहिए यहाँ पर कॉट, तभी तो लगेगा फॉर्मूला, तो उसके लिए लिखेंगे एलएचएस लेकर चलेंगे, लिखेंगे अंश, अंश तथा हर में साइन से साइन ए से भाग देने पर, भाग देने पर। ठीक है, चलिए देते हैं भाग, सब में दिखा देते हैं भाग दे के, ठीक है ताकि आसानी होगी आप लोगों को, तो सब में देखिए सब में हम भाग देते हैं, एक बार में सबसे भाग कर सकते हैं, लेकिन एक बार में करेंगे तो फिर तो बाद में आपको करना ही पड़ेगा, इसीलिए सब वो अभी पहले ही हम लोग दे देंगे साइन ए साइन ए। ओके, फिर बट्टा में जैसे ही आएगा आप नीचे में, तो फिर आपको नीचे कॉस मिल रहा है कॉस ए प्लस में फिर आपका साइन ए है, फिर माइनस वन है, इन लोगों को भी आपको वही काम करना है, इनको भी साइन ए से सब में भाग करना है क्योंकि ये हर वाले हैं, तो अंश वाले तो हो गए ऊपर, ये हर वाले हो गए। अब देखिए यहाँ से क्या क्या मिलने वाला है हम लोग को, यहाँ से आपको कॉस बटा साइन यानी कॉट ए मिलने वाला है,
और यहाँ कट के 1 होने वाला है और यहाँ आपको cos a का प्राप्ति होने वाला है, ठीक है, cos a के। जैसे ही नीचे चलेंगे यहाँ भी आपको cot a मिलने वाला है, फिर यहाँ पर आपको प्लस में 1 मिलने वाला है, माइनस में cos a मिलने वाला है। अब इनको थोड़ा सजा देते हैं, ये 1 को बाहर ले जाते हैं, तो ये आपका हो जाएगा cot a प्लस में cos a, तब हो जाएगा माइनस 1, और फिर बट्टा में जब चलेंगे तो यहाँ पर फिर यहाँ पर यूज कर सकते हैं cot a माइनस cos a प्लस। देखिए तो यहाँ पर हम लोग फॉर्मूला जो है माइनस 1 का 1 के लिए क्या लगा सकते हैं, तो आपको पहले से बताया गया था इसमें cot वाला फॉर्मूला लगाना है, तो एक बराबर यदि आपका फॉर्मूला ऐसे होता है कोशेक स्क्वायर थीटा माइनस में कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, ठीक है, तो इसी फॉर्मूला को हम लोग यहाँ पर लगाने वाले हैं। तो चलिए लगाते हैं इस फॉर्मूला को, जैसे फॉर्मूला को लगाएंगे तो कोट ए प्लस कोशेक ए इधर हो जाएगा और यहाँ से माइनस 1 को कॉमन करके 1 का फॉर्मूला लगा देंगे यहाँ से, तो आपका ये फॉर्मूला लग जाएगा कोशेक स्क्वायर ए माइनस में कॉट स्क्वायर ए, ठीक है, नीचे जो आपका है वही रहेगा कॉट ए माइनस कोशेक ए प्लस में 1, जैसे वैसे सेम टू सेम इसका टाइम कैसे भी लगा सकता है, सेम से लिख लीजिए, ठीक है। अब यहाँ से काम करते हैं हम लोग, यहाँ पर देख रहे हैं इंटू में है, ठीक है, और ये जो माइनस है ना, माइनस नहीं, माइनस के साथ इंटू में है, तो क्या हम इसको दो को यानी कि ए माइनस, यहाँ देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, ए प्लस बी ए माइनस बी, यानी कि वो प्लस में वो माइनस में कर सकते हैं। चलिए आज करते हैं, कॉट ए प्लस कौशिक ए इंटू में हो गया, माइनस में है यहाँ पर, एक प्लस में वो माइनस में, यानी कि कौशिक ए प्लस कॉट ए और एक हो जाएगा आपका कौशिक ए माइनस कॉट ए, ठीक है। बट्टा में चलेंगे तो आपका कॉट ए माइनस कौशिक ए प्लस में 1 ऐसे रहा, ठीक है। अच्छा आगे देखिए, तो इसमें से cot a प्लस cos a को कवर कर लेते हैं, तो जैसे ही cot a प्लस में cos a को कवर करते हैं तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 1 और फिर यहाँ पर आपका माइनस कूड़ा में है, तो यहाँ से भी आपका cot और ये वाला आ गया, प्लस वाला आ गया, तो बच्चा कौन है, माइनस वाला, तो यहाँ पर लिख देंगे cos a माइनस में कॉट ए, जो कि एक है जो भी इसके साथ गुणा में है, ठीक है, ये आपका गुणा में है। फिर नीचे आएंगे तो आपका हो जाएगा कॉट ए माइनस कौशिक ए प्लस 1, ऊपर जो आपका कॉट ए है और प्लस में आपका कौशिक ए है, इसको आप साइड में रखेंगे। अब यहाँ से इंटू जैसे ये गुणा होगा तो माइनस में 1 तो पहले होगा, फिर इससे होगा तो माइनस में कॉश के होगा और ये प्लस में आपका कॉट ए हो जाएगा। जस्ट नीचे आएंगे तो यहाँ भी देखिए सब वही है, बट इधर रखिएगा, तो इसको सेम करते हैं, पहले 1 को लाते हैं फिर माइनस वाला को लाते हैं, यानी कॉश के और फिर प्लस में कॉट ए, क्योंकि हम लोग इधर से उधर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, बड़ा कुछ नहीं, मुझे छोटा कुछ रखते हुए, तो दोनों सेम सेम हो गया, ये कैंसिल आउट, बच क्या गया आपका कॉट ए प्लस कौशिक ए, या कौशिक ए प्लस कॉट ए, नहीं वही हमारा हो गया एलएचएस बराबर आरएचएस प्रूफ्ड, ठीक है, ये हम लोग का हो चुका है, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, चलिए यहाँ पर एलएचएस लेके 6 नंबर क्वेश्चन को बनाने स्टार्ट करते हैं। देखिए इसमें जैसे ये क्वेश्चन देगा आपको ऐसे अंडर रूट में, तो आपको करना कुछ नहीं है, बस आपको परिमेय करण कर देना है,
क्या करना है, परिमिकरण। परिमिकरण कैसे होता है, चीन उल्टा करते बस, और कुछ नहीं है, बस इसमें चीन उल्टा कर रहे नीचे वाले को लेकर। ठीक है, देखिए हो गया। अब परिमेयकरण, यहां पर परिमेयकरण पा किया, ठीक है, परिमेयकरण करने पर, ठीक है, परिमेयकरण करने पर। ओके, चलिए आगे देखते हैं। जैसे इसको परिमेयकरण करेंगे, देखिए तो नीचे a माइनस बी, ए प्लस बी, ऊपर में दो को हो गया, तो वन प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, और बट्टा में आएगा तो ये प्लस में को माइनस में, ए स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, या ऐसे भी देख रख सकते हैं। आगे चलेंगे तो ऊपर जैसे देखिए, ऊपर उसी तरह रखेंगे आपका, वन प्लस साइन ए का स्क्वायर, बट्टा में करेंगे तो वन माइनस साइन स्क्वायर होता है कॉस स्क्वायर ए, और ये होता है अंडर रूट में, दोनों डबल डबल है, बाहर निकलेगा एक हो जाएगा वन प्लस में साइन ए, और नीचे हो जाएगा आपका कॉस ए, वो निकल जाएगा। अब ये इसके नीचे जाएगा, एक बट्टा कॉस को क्या कहेंगे, ऐसे कर देंगे, एक बट्टा में कॉस ए, एक बार कर देंगे कॉस ए, और जैसे ही आगे बढ़ेगा तो अब आपको जानते हैं, एक बट्टा कॉस को लिख सकते हैं सेक ए, इसको लिख सकते हैं टैन ए, एल एच एस बराबर आर एच एस प्रूफ। ठीक है, तो ये हम लोग का यहाँ पर एल एच एस बराबर आर एच एस आपका प्रूफ हो चुका है। ठीक है, अब चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए तो फॉर आपका क्वेश्चन आ गया आपके सामने, चलिए जल्दी से इसको बनाते हैं। ओके, चलिए देखिए, साइन थीटा है, यहाँ भी साइन थीटा है, साइन थीटा को कॉमन करेंगे, यहाँ भी हम लोग एल एच एस लेके चल रहे हैं, क्या लेके चल रहे हैं, एल एच एस, आप हल लिख सकते हैं। यहाँ साइन को कॉमन, जैसे कि साइन थीटा, तो यहाँ बचा आपका वन माइनस में बचा टू साइन स्क्वायर थीटा, फिर बट्टा में, फिर यहाँ पर भी आप कॉस को कॉमन करेंगे तो कॉस इधर बाहर हो जाएगा, फिर यहाँ बचा टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस में वन साइन साइन टेन हो जाएगा, टेन थीटा दूसरे स्टेप में, और वन माइनस साइन स्क्वायर टू है तो उसको क्या लिख सकते हैं यहाँ पर हम लोग, तो यहाँ से साइन को अलग कर देते हैं हम लोग, ऊपर में वन टू को वैसे रखेंगे, और साइन को क्या लिख सकते हैं, साइन को हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं वन माइनस में कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, सिर्फ साइन को लिखे, टू सी है, वन माइनस कॉस स्क्वायर ए, बट्टा में आपका टू कॉस स्क्वायर ए माइनस में वन, वैसे ही चलता रहेगा। फिर नीचे आएंगे टेन थीटा, यहां से मल्टीप्लाई करेंगे तो वन, ऐसे करेंगे टू एकम टू, प्लस माइनस माइनस में टू, ऐसे करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, यानी कि टू कॉस स्क्वायर ए, और बट्टा में जैसे आएंगे तो टू कॉस स्क्वायर ए माइनस में वन, और नेक्स्ट बार जैसे ही घटेगा यहाँ पर आप यहाँ छोटा कुछ भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपको बगल में टेन थीटा कर देंगे, और यहाँ दुगुना से हो जाएगा तो ए होगा माइनस में, तो माइनस वन को बाद में रखने पर इसको लिख लेते हैं टू कॉस स्क्वायर ए माइनस वन, और फिर बट्टा में आपको वही है टू कॉस स्क्वायर ए माइनस वन, दोनों सेम सेम कट गया, तो क्या बचा आपके पास, आपके बच्चा टेन थीटा हो गया आपका एल एच एस बराबर आर एच एस प्रूफ। ठीक है, चलिए फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन को भी जल्दी से फटाफट खत्म करते हैं। ओके, चलिए तो क्वेश्चन आ गया हम लोग का सातवां नंबर। देखिए इसमें भी क्या करना है, स्क्वायर दिया सबका स्क्वायर करते हैं, एल एच एस लेके चलेंगे और स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर जैसे करेंगे तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर ए प्लस में कॉसेक स्क्वायर ए प्लस टू ए बी। ठीक है, फिर नेक्स्ट चलेंगे तो फिर प्लस, फिर यहाँ पर हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर ए प्लस में सेक स्क्वायर ए प्लस टू ए, फिर आपका हो जाएगा बी। देखिए
अब फिर आगे चलेंगे तो साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए दोनों मिला के एक हो जाएगा, तो इन दोनों को एक पास करते हैं, साइन स्क्वायर ए प्लस में कॉस स्क्वायर ए। फिर इन दोनों की बात करते हैं, यहाँ पर आपका कौशिक स्क्वायर ए है और शेक स्क्वायर है, ठीक है। तो कौशिक का क्या फॉर्मूला होता है तब जानते हैं, कौशिक को करेंगे तो यहाँ पर यह फॉर्मूला आपका होता है इसका कौशिक का, वन प्लस कॉट स्क्वायर, वन प्लस कॉट स्क्वायर ए। फिर इसको भी छोड़ देंगे, फिर इसके बाद सेक है तो सेक का भी होता है वन प्लस टेन स्क्वायर ए। टू साइन ए है प्लस में टू साइन ए, और कौशिक को क्या लिख सकते हैं, एक बट्टा में साइन ए। उसी तरह फिर आगे चलेंगे, टू का टू कॉस का कॉस होगा, और सेक को क्या लिख सकते हैं, एक बट्टा में कॉस ए, ठीक है। बारी बारी सब समझ गए आप लोग, ये वन प्लस ये कहां से आया तो ये इसका फॉर्मूला है, ये कहां से आया तो ये इसका फॉर्मूला है, ठीक है। अब प्लस सब में, इसलिए सब में प्लस दिए हैं, और ये अब जानते ही कैसे किए हैं, कॉस कॉस कैंसिल, साइन साइन कैंसिल। अब गिनिए तो यहाँ देखिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर एक, एक दो तीन, तीन दो पांच, पांच दो सात, कॉट टेन है तो पहले टेन ए स्क्वायर लिख लीजिए, फिर लिखिए आपका कॉट स्क्वायर ए। एल एच एस बराबर आर एच एस प्रूव्ड। अब चलते हैं नंबर नंबर क्वेश्चन पर, ठीक है। इजी था कि नहीं, बहुत इजी है, पांच नंबर आ जाइए तो गलत गलत कर दिया जाएगा एकदम, ठीक है। चलिए चलते हैं, चलिए तो नाइन नंबर क्वेश्चन आ चुका है, नाइन नंबर क्वेश्चन को एकदम लोग देख लेते हैं। देखिए कॉसिक है तो क्या लिख सकते हैं, एक वट्टा में साइन ए, माइनस है माइनस करते हैं, फिर यहाँ पर हो जाएगा आपका साइन ए। फिर आगे बढ़ेंगे तो शेक है, शेक को क्या लिख सकते हैं, एक वट्टा में कॉस ए, फिर माइनस आपका कॉस ए हो जाएगा। जब इसका एल्सियम लेंगे तो ये आपका नीचे आ जाएगा साइन ए, और ऊपर हो जाएगा वन माइनस में साइन स्क्वायर एफ, बट्टा पर के जोड़ किए हैं। आगे इसी तरह से भी एलसीएम हो जाएगा कॉस ए, कॉस लेकर आएंगे तो एक बार कटेगा तो एक आएगा, फिर माइनस यहाँ कुछ नहीं है तो कॉस बार करेंगे तो कॉस 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 स्क्वायर ए। फॉर्मूला यहाँ पढ़ेंगे तो यहाँ जब फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा वन माइनस साइन स्क्वायर बराबर होता है कॉस स्क्वायर ए, बट्टा में आपका हो जाएगा साइन ए। फिर आगे बढ़ेंगे यहाँ पर तो यहाँ भी आपका हो जाएगा वन माइनस कॉस स्क्वायर ए बराबर होता है साइन स्क्वायर ए, और बट्टा में आपका हो जाएगा फिर कॉस कॉस ए, ठीक है कॉस ए। क्या करेंगे यहाँ पर हम लोग, तो यहाँ से आप एओ कटा दीजिए, यहाँ से एओ को कटा दीजिए, कितना हो जाएगा आपका कॉस ए इंटू साइन ए, ठीक है कॉस ए इंटू साइन ए, ये आपका हो गया एल एच एस लेकर चले हैं। क्या लेकर चले हैं, एल एच एस। अब आर एच एस लेकर चलते हैं, अब आर एच एस क्योंकि इसमें भी आपको बोला गया है कि वामा पक्ष और दया पक्ष दोनों अलग सरल कीजिए, ठीक है। तो इसमें आप लेके चलते हैं आर एस आर एच एस, तो इधर लेके चलते आर एच एस को, तो आर एच एस को लेके चलेंगे तो ऊपर वन नीचे हो जाएगा आपका टेन को साइन ए, यहाँ देखिए साइन ए बट्टा में फिन कॉस ए, यहाँ पर हो जाएगा कॉस ए बटा में साइन ए, ठीक है। अब यहाँ पर एलसीएम जो भी आपको करना है करिए, ऊपर एक हो जाएगा नीचे में आपका कॉस ए और साइन ए का जब एलसीएम लेंगे तब हो जाएगा कॉस ए इंटू साइन ए, तब ये आपको उधर जाएगा तो ये आपको बन जाएगा साइन स्क्वायर ए, और इधर हो जाएगा प्लस में आपका कॉस स्क्वायर ए, दोनों का मान होता है एक, तो एक और मेन बट्टा ये है नीचे हो जाएगा एक बट्टा में कॉस ए इंटू साइन ए, जैसे ये ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा एक बट्टा में एक इंटू में कॉस ए इंटू साइन ए बट्टा एक, सब खत्म होके हो जाएगा कॉस ए इंटू साइन ए, जो कि एल एच एस बराबर आर एच एस प्रूव्ड, ठीक है। यहाँ देख लीजिए वन और सब कैंसिल होकर हो जाएगा, ठीक है यहाँ तक आप लोग का प्रूव्ड। चलिए फिर चलते हैं लास्ट क्वेश्चन है दसवां नंबर, दसवां नंबर क्वेश्चन को देखते हैं।
चलिए, तो ये आपका लास्ट क्वेश्चन है और वीडियो का आप लोग शेयर जरूर करें, ठीक है, ताकि और भी बच्चों के तक पहुंच जाए। चलिए बनाते हैं इसको। देखिए एलएचएस लेके चलते हैं सबसे पहले, एलएचएस लेके चलेंगे तो 1 + 10 को क्या लिख सकते हैं, द साइन स्क्वायर ए बटा में कॉस स्क्वायर ए। फिर उसी तरह नीचे चलेंगे तो 1 + cos स्क्वायर ए बटा में साइन स्क्वायर ए, ठीक है। अब इसको बट्टा पे जोड़ करेंगे तो ये आपका एलसीएम नीचे हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। तो यहाँ से आपका ये हुआ कॉस स्क्वायर ए प्लस में साइन स्क्वायर ए, सब बट्टा पे जोड़ कर रहे हैं और ये आप सबको आता है। फिर बट्टा में चलेंगे, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बट्टा में साइन स्क्वायर है, नहीं पहले हम एलसीएम लिए हैं साइन स्क्वायर है तब ये सब आएगा, ठीक है, आप कर सकते हैं इसको। अब यहाँ ये तो इसका मान 1 हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, उसी तरह यहाँ भी 1 हो जाएगा, तो इसको लिखें 1 बट्टा में कॉस स्क्वायर ए, और फिर मीन बट्टा हो जाता है यहाँ पर नीचे, फिर आपका हो जाएगा 1 बट्टा में साइन स्क्वायर ए। अब ये उल्टा होगा तो उल्टा जाके ये जैसे उल्टा बनेगा तो ये आपका हो जाएगा 1 बट्टा में कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए बट्टा 1, यानी कि 10 स्क्वायर ए। तो ये आपका हो गया LHS बराबर RHS, ठीक है, 10 स्क्वायर ए। अब ये बचा है बीच में को, चलिए इसको भी लेके देखते हैं, ठीक है, बीच वाला को लेके चलते देखते हैं ये आता है कि नहीं आता। तो सिंपल बात है कि आएगा ही आएगा, तो चलिए देख लेते हैं आता है कि नहीं आता है। देखिए 1 का 1 sin a बटा में cos, साइन ए बटा में कॉस ए, ठीक है। अब इसका है स्क्वायर, इसका है स्क्वायर, ठीक है, इसका है स्क्वायर, ये आपका हो जाएगा कॉस ए माइनस साइन ए। चलिए थोड़ा फास्ट बनाते हैं क्योंकि बैटरी भी मोबाइल का खत्म होने वाला है। नीचे फिर इसका एलसीएम हो जाएगा कॉस ए, और यहाँ बचेगा 1, सॉरी यहाँ बचेगा आपका कॉस ए माइनस में साइन ए, ठीक है, और सब ये स्क्वायर पे है, ठीक है। और यह देखिए यहाँ पर इसको जैसे ऊपर करेंगे तब पे इस तरह से हो जाएगा, बन जाएगा कॉस ए, कहीं गलती हो रहा है, यस यहाँ आपका कॉस ए है और यहाँ आपका साइन ए है, यहाँ साइन है, ठीक है, तो ये उल्टा होके यहाँ पर हो जाएगा साइन है और यहाँ हो जाएगा आपका कॉस है। जैसे उल्टा करेंगे तो ये आपका देखिए कॉस ए माइनस साइन ए बट्टा में कॉस ए इंटू साइन ए, और यहाँ पर हो जा रहा है कॉस साइन ए इंटू कॉस ए, करेंगे कुछ नहीं। देखिए ये दोनों सेम हो जाता, ठीक है, सेम हो जाता तो काम हो जाता, बट यहाँ पर सेम हो नहीं रहा है, स्क्वायर में है। एक काम करते हैं, इसमें से माइनस को कॉमन कर लेते हैं, ठीक है, माइनस को जैसे ही कॉमन करेंगे तो ये आपका ऐसे हो जाएगा, माइनस कॉमन हो जाएगा, अंदर ही रखेगा माइनस को, तो यहाँ पर आपका माइनस कॉमन करेंगे तो बन जाएगा आपका कॉस जो है आपका साइन जो है माइनस में प्लस में हो जाएगा, तो साइन ए माइनस में हो जाएगा कॉस ए, ठीक है, फिर बटा में कॉस ए इंटू साइन ए, फिर बटा में हो जाएगा आपका साइन ए माइनस कॉस ए, ये दोनों के दोनों सेम हो जा रहे हैं, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचा क्या, नीचे आपका जगह नहीं है यहाँ देखिए, बचेगा क्या, तो यहाँ पर जो माइनस में है तो माइनस साइन ए बटा में हो जाएगा आपका कॉस ए, दोनों का स्क्वायर है, स्क्वायर करेंगे तो साइन माइनस में तो ये हो जाएगा आपका 10 स्क्वायर ए, यानी कि आपका RHS फिन आ चुका है फ्लोट, ठीक है, देख सकते हैं। ओके चलिए, तो ये रहा आपका 8.4 फिनिश हो गया। अब जो भी नेक्स्ट वीडियो आएगा वो आएगा आप लोगों का एक नंबरिया, यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है, त्रिकोणमिति का ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी हम लोग सॉल्व करेंगे, उसके बाद प्रायिकता या जो भी होगा वो पढ़ेंगे। ओके चलिए, ओके गुड बाय, ठीक है, वीडियो को शेयर जरूर करें।